सो गाइस, ग्रामर का ये पोर्शन चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, जिसमें अभी तक मैं आपको 4 सेट 2015 से आए हुए कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स करवा चुका हूँ। आज का जो सेट है यह है सेट 5। लेकिन गाइस, ये सेट आपका मेंस का है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सेट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को ढंग से देखिएगा। पहले मैं आपको सेंटेंस कॉमन एरर करवाऊंगा इसका आज हिस्सा, और उसके बाद में जो हिस्सा आएगा वो देखेंगे। क्लियर गाइस? तो फिलहाल चलते हैं सेट की तरफ। सो गाइस, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। कह रहे कि रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर गिव और इज वन बाय फाउल मींस इज एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर, और अगर नहीं है तो आपको उसे ठीक करना नहीं है, अगर है तो आपको उसे ठीक करना होगा। तो जरा देखते हैं ध्यान से सेंटेंस में क्या कह रहा है। रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स, चलिए यहाँ पे, एंड द फेम दैट पावर गिव। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, सेंटेंस एक तो हमारा कनेक्ट हुआ है और से, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि सेंटेंस जब हमारा एंड बट और से कनेक्ट होगा तो वर्ब का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए था, क्योंकि और के बाद सिंगुलर वर्ब आ रही है और से पहले प्लूरल वर्ब, जबकि यहाँ सेंटेंस में दैट पावर आपका आया है, पावर को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी। आपको यहाँ पे गिव नहीं गिव्स होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। तो सेंटेंस में गाइस आपका यहाँ पे गिव की जगह गिव्स होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी ए पार्ट में ही। ओके गाइस, ए पार्ट आपका इसका पूरी तरह से हो जाएगा रॉन्ग। हालांकि यहाँ सेंटेंस में एक प्रॉब्लम मुझे और नज़र आई, वो है रिचेस की। रिच आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों, तो कभी भी किसी एडजेक्टिव में हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। जैसे कि आपने कहा पुअर, तो आप इसे पुअर्स नहीं कह सकते। इसी तरह से बच्चों आपका रिच है, आप इसे रिचेस नहीं कह सकते। लेकिन गाइस, रिचेस की कहानी एक बार को चल सकती है, बस सिर्फ रिचेस में ही, जब आप बात कर रहे हो पैसे की, मनी की, धन की। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं एक सेंटेंस है, रिचेस हैव विंग्स, यानी कि लक्ष्मी के पैर होते हैं, लक्ष्मी के पैर होते हैं, तो आप उस समय पे इसको रिचेस बोल सकते हैं और सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कर रहा है कि रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स, तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है पैसों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसका, किसी व्यक्ति के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। तो गाइस, सेंटेंस में अभी आपके यहाँ एरर है दैट पावर गिव्स, सेंटेंस का पहला पार्ट यानी कि ए आपका रॉन्ग है। कह रहा है कि सम मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर अपोज टू यूज द डैश सॉरी टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। 109 सेंटेंस में कह रहा है कि सम मेंबर्स ऑफ द कमेटी, चलिए यहाँ पे प्रपोजन के बाद वो कट कर देंगे, तो सम मेंबर्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब आपके आ गई है वर अपोज टू यूज। तो गाइस, यहाँ पर ही जो इसमें इस्तेमाल किया है वोज वर प्लस अपोज, ये जो अपोज वर्ड हुआ है इस्तेमाल, इसके आने के इसमें इसके बाद जो टू आपका आ रहा है, उस टू के बाद हम लोग जीरण का इस्तेमाल करते हैं, अपोज टू प्लस जीरण का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो वर अपोज टू यूजिंग होना चाहिए था, या फिर टू भी हटा दीजिए आप यहाँ पे, डायरेक्ट आप इसके साथ में यूजिंग लगा सकते हैं। हालांकि टू रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ये रूल है कि टू के बाद आप जीरण लगा सकते हैं, लेकिन वो सम केसेस में, नॉट इन एवरी केसेस। तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे यूजिंग, और आपका जो एरर हो जाएगी किस पार्ट में हो जाएगी बच्चों, अभी तक तो ये रहा ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर, सेंटेंस का ए पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे गाइस, सेंटेंस नंबर 110 पर। द डॉक्टर आस्क हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से पूछा टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, जरा ध्यान दीजिएगा 110 सेंटेंस पर। द डॉक्टर आस्क हिज पेशेंट
टू, बच्चों टू आपका एक प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा डायरेक्ट वर्ब आया करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह कुछ नहीं। तो यहाँ पर टू टेक होना चाहिए था पहले, फिर रेगुलरली होना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे टू टेक रेगुलरली मेडिसिन ऐसा होता। तो गाइस यहाँ पे टू के बाद पहले वर्ब लगाइए, तब जाकर के आप रेगुलरली लगाइएगा सेंटेंस में। यहाँ आपका अगर देखा जाए तो सी पार्ट रॉन्ग है, सी पार्ट में इसके एरर है। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। चलिए गाइस, गाइस ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबेड, आपने डायट एंड डायट में पढ़ा होगा जरूर इसको, फॉरबिड या फॉरबेड। तो गाइस ये जो वर्ड है आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, फॉरबेड या फॉरबिड आपका ऑलरेडी नेगेटिव है। और जब एक सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आ जाए तो आप उसके साथ में नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गाइस, यानी कि सेंटेंस में कोई भी चीज़ डबल आपकी नहीं आ सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, डबल नेगेटिव, डबल अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफे, मतलब इसको सुपर फ्लोज माना जाता है। किसी भी फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आया करते हैं जो कि रोंग है, तो यहाँ पे आपका नोट नहीं आएगा, जो कायदे की बात है। तो गाइस यहाँ पर आपकी हो जाएगी एरर सेंटेंस में नोट टू गो सी पार्ट में। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट। तो गाइस कह रहा है कि ये बुक जो है डिफरेंट है उसके उससे। तो बच्चों डिफरेंट के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल क्या करते हैं, डिफरेंट के साथ में डिफरेंट फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन चला करता है, जो कि उसने यहाँ नहीं दिया है, उसने डिफरेंट देन कर दिया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा गलत। तो फिलहाल यहाँ पे देन दैट की जगह फ्रॉम दैट होगा, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। द आर्टिकल सजेस्ट्स दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। देखिए बच्चों ध्यान से, सेंटेंस में कितने आराम से बेवकूफ बना गया आपका वो। द आर्टिकल सजेस्ट ये यहीं खत्म हो गया, दैट When a person, जब कोई व्यक्ति, नोट की ना कि उसने कहा आप, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, जब कोई व्यक्ति is under unusual stress, you नहीं he should, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी under unusual stress के अंदर होता है तो उसको ये करना चाहिए, तो उसको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का, अपनी बैलेंस डाइट का। तो ही शुड बी स्पेशली, सेंटेंस में यू शुड बी स्पेशली नहीं, ही शुड बी स्पेशली होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन वे की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ सेंटेंस में यू आपका नहीं आएगा, सेंटेंस में आपके आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, डी पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहे कि द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, जो रिजल्ट था वो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था। तो गैस यहाँ पर आपको बताना है कि क्या एरर हो सकती है। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली, बच्चों फेयरली की जगह आपका अच्छा होगा कि आप यहाँ पर रैदर का इस्तेमाल करें, रैदर का इस्तेमाल इस कंडीशन में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ सेंटेंस में आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। इन 20 रैक्स 5 लाइफ्स वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट। बच्चों फॉर्चुनेटली वर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सौभाग्य के लिए, अच्छे काम के लिए, जबकि यहाँ पर लाइफ लॉस्ट हो रही हैं, यानी कि लोग मर रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्यवश है। क्या है गाइस, दुर्भाग्यवश 5 लोग मर गए, ये कहना चाह रहा है, ना कि सौभाग्यवश। ऐसा कभी नहीं होता है कि बच्चों कि सौभाग्यवश वहाँ पर 4 लोग मर गए, सौभाग्यवश बचा जाता है, दुर्भाग्यवश मरा जाता है। तो गैस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए था, नॉट फॉर्चुनेटली। तो सेंटेंस में सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी, सेंटेंस का सी पार्ट हो जाएगा एरर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। कह रहा है कि बहुत लंबी क्यू यानी कि लाइन थी एंट्री के लिए एग्जीबिशन ग्राउंड में। सो गाइस मैंने आपको बताया हमेशा कि देर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब आ सकती है। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो बी उसने लगाया है, बी की अपनी एक फैमिली है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, इज एम आर वॉज वर्ब का। बी की अपनी एक फैमिली है जिसके साथ इस्तेमाल क्या करते हैं, इज एम आर
वोज वर का, यानी कि बी के अंदर आपके इज एम आर वोज वर ये सब भी आया करते हैं। बी बीन बींग का इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको लग रहा है कि इन्हें भेज करके काम नहीं चलेगा। तो गए यहाँ पे देयर बी नहीं देयर वोज होना चाहिए था, सेंटेंस करेक्ट हो जाता कि वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन थी, देयर वोज अ लॉन्ग क्यू। यस गैस, तो सेंटेंस में आप बी की जगह इज वोज वर इनका इस्तेमाल करेंगे तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। क्लियर है गैस? तो सेंटेंस में आपका एरर हो जाएगा बी पार्ट में। चलिए गैस, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया गलती से। कह रहे कि लेट अस वे टू वन अनदर इन डूइंग गुड 118। तो गैस यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल इसने किया है वे। तो गैस ये जो वर्ड है आपका वे, इसके साथ में आपका हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करता है विद। बच्चों वे के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन चलता है विद, ना कि टू। वे विद, वे का मतलब होता है बच्चों तरह से किसी से कंपटीशन एक तरह का, ये समझ लीजिएगा। तो किसी से कंपटीशन आपका वे विद। तो लेट अस वे विद वन अनदर इन डूइंग गुड, यानी कि अच्छा करने में हम दोनों को एक दूसरे से करना चाहिए क्या, कंपटीशन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टू की जगह विद, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा आपका रो। एज पर द इन्विटेशन कार्ड रही मैरिज विद शायरा ऑन 13th December मंडे 119। बच्चों मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देखेंगे कि मैरी के साथ में करेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, मैरी का सही यूज़ कुछ इस तरह की हमारी वीडियो पड़ी हुई है। और उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट ऐसे भी थे जब मैं देख पढ़ा रहा था बच्चों को, अभी चल रही मतलब बच्चों वीडियो ट्रेंडिंग में है वीडियो, तो बहुत सारे यूज उस पर कमेंट ऐसे थे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, दोनों कंडीशन में एक ही प्रपोजिशन आएगी, ये है वो है, मतलब बहुत सारी बातें। मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा उनको बेवकूफ बनना है, उनको बेवकूफ बनने दो। यस गाइस, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं, ये लोग वो हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं और बनते आएंगे। चलिए गाइस, यहाँ मैंने एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बताई थी मेरे के अंदर, जो आप वीडियो में ही जाकर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेट सॉल्व कराने के बाद में एक्सपीरियंस के आधार पर वो ट्रिक मैंने खोजी थी जो मैंने उस वीडियो में बताई, कोई गलती नहीं की। सो गाइस, मैंने बताया था कि मैरी एक वर्ड है, जाके देख लीजिएगा वीडियो में, अगर ये चल रहा है आपका एक्टिव में तो इसके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, और अगर ये पैसिव में चल रहा है, यस गाइस, अगर ये चल रहा है पैसिव में तो आपको इसके साथ में वर्ब लगानी पड़ेगी जो कि आपकी टू और विद होगी। क्या होगी? टू और विद। अब कब टू आएगा कब विद, मैंने ये भी बताया बच्चों को कि अगर लड़का लड़की से शादी करे और लड़की लड़के से शादी करे, आप जाके पूरी वीडियो वहाँ देखें वरना आप नहीं देखेंगे। वीडियो हमारा टाइटल है मैरी टू / मैरी विद कन्फ्यूज़न, या फिर मैरी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाएं, थंबनेल में भी लिखा हुआ है मैरी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाएं, टू या विद, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में, सॉरी एक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर वोज वर बी बीन बींग और साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आया है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है, और एक्टिव में है, एक्टिव में मैरी के साथ में नो प्रपोजिशन, सेंटेंस में यहाँ पे विद नहीं आएगा, ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर।